नमस्कार, लेन देन न्यूज चैनल में मैं विधायक प्रहलाद जी गुंजल साहब आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आप कोटा उत्तर से हमारे विधायक हैं और पिछले चुनाव में आपने हमारे राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री शांति धारीवाल जी को भारी मतों से पराजित किया था, तो जनता को आपसे काफ़ी उम्मीदें थी। आपने उनकी उम्मीदों के लिए क्या प्रयास किए हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बेसिक ज़रूरत आम आदमी की पानी बिजली सड़क होती है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, बिजली मिले सुचारू रूप से, पानी ठीक से मिले। 54 करोड़ रुपया कोटा उत्तर के लिए अमृत में पानी की पाइपलाइन बदलने का 22 महीने पहले सेंक्शन हो गया, अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 10-15 करोड़ रुपए और हम अलग अलग गली मोहल्लों में, कॉलोनियों में, नई कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछाने के लिए लेके आए हैं और मैं समझता हूँ कि हम अब इस दृष्टि से साउंड हैं कि हमारी कोटा उत्तर की लगभग सभी कॉलोनियों में कुचोक छोड़कर पानी की व्यवस्था ठीक बन गई है। बिजली के क्षेत्र में हमने 433 केवी के GSS मंजूर कराए हैं, 132 केवी का GSS नांता में बन रहा है। सड़कों का मामला जहां तक है, हमने बनावटी सौंदर्यकरण नहीं किया, नाली और पटान के करोड़ों रुपए के काम हुए हैं और आज भी हमारे पास GST के कारण थोड़ा विलंब हो रहा है, लगभग कोटा उत्तर में 70-80 करोड़ रुपए के नाली और सड़क के काम पेंडिंग पड़े हैं, या तो टेंडर प्रक्रिया में है या वर्क ऑर्डर प्रक्रिया में है। हम अगले 2 महीने में इन सब पर काम प्रारंभ कर देंगे और आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर हम 150 करोड़ रुपया और मंजूर करा के, और मैं समझता हूँ कि जून 2018 के पहले कोटा उत्तर की हर गली में सड़क और नाली का काम हम लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे, कोई बचेगा नहीं। प्रमुख कनेक्टिविटी की दृष्टि से चंबल की आधी पुलिया, पिछले राज में पिल्लर ही सीधा नहीं हुआ था, टेढ़ा था, हमने 17 करोड़ रुपया लगाकर उसको सीधा करवाया। बैराज के समानांतर पुल इस शहर की सबसे बड़ी मांग थी, वो लगभग इसी दिसंबर में पूरा होने जा रहा है। नॉर्दर्न बाईपास फेज 1 बनने के बाद स्टेशन पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा, इस लिहाज से रंगपुर का आरओबी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। शहर का व्यक्ति बिना किसी ट्रैफिक बाधा के स्टेशन पहुंच जाए, यात्री ट्रेन पर जाने वाला, इसके लिए एक आरओबी की DPR बन रही है, आने वाले कुछ समय में उसको मंजूर करा देंगे। नदी पार क्षेत्र बिल्कुल टापू की तरह, नाव की तरह भरा रहता था, हमने 32 करोड़ के नाले बनाए और आज उस समस्या से हमको लगभग निजात मिल गई है। नांता से डाबी तिराए से लेकर डाबी रोड तक की हालत क्या थी, मिलिट्री की आपत्तियों के कारण थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन पिछले 5 साल तक लोग यही बोलते थे, चाहे आप विकास पुरुष को कुछ भी कहो, मंत्री जी को, कि जितना समय चित्तौड़ से कोटा आने में लगता है उतना डाबी तिराए से कोटा आने में लग जाता है। मंत्री और आम लोग उसका रास्ता बदल कर आने लगे थे। हमारी सरकार आने के बाद 25 करोड़ रुपए NHAI से सेंक्शन हुआ, 90-80% काम पूरा हो गया, बाकी काम 3 महीने में पूरा हो जाएगा। एक एक चीज, डिस्पेंसरीज बापू बस्ती में, बोरखेड़ा में, धारीवाल जी ने भी नांता और बदाना और पुरोहित जी की टापरी में डिस्पेंसरी खोली थी, न डॉक्टर का पता, न भवन का पता, न पैसे का पता। मैंने इन तीनों डिस्पेंसरियों को जमीन अलॉट कराई है और प्रत्येक डिस्पेंसरी का 1,85,00,000 रुपया मंजूर कराया, और हमने जो 2 नई हमारी बापू बस्ती और बोरखेड़ा मंजूर कराई, पैसा भी साथ में लेकर आए हम। बापू बस्ती की तो बिल्डिंग भी बनकर कंप्लीट हो गई, उद्घाटन हो गया,
बोरखेड़ा में जमीन आवंटन में विलंब के कारण अगले महीनों में ही बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा, हमारे पास पैसा है उसका। कुल मिलाकर हम एक एक चीज पर पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा बारीकी से काम कर रहे हैं और एज एमएलए 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहने का प्रयास करते हैं 24 घंटे। तो अभी तक आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने करोड़ के काम आप करा चुके और कितने? अब ये तो अभी काउंटिंग तो मैंने नहीं की है, लेकिन मैं अगर बात करूं कि धारीवाल जी 1600 करोड़ के कामों की बात करते हैं सारे शहर की मिला के, और सारे शहर की हम बात करेंगे जिसमें नॉर्दर्न बाईपास फेज 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, मल्टी सुपर स्पेशलिटी आ जाएगी, हमारे रंगपुर आरओ भी और थर्मल और मोदी कॉलेज की पुलिया भी आ जाएगी, या चंबल की दूसरी दोहरीकरण का पुलिया का मामला भी आ जाएगा, नाली पटान आ जाएंगे। तो हमारे पास आज की तारीख में 2000 से 3000 करोड़ के काम मूवमेंट में है, कुछ पूरे हो गए कुछ मूवमेंट में है। हम चुनाव में काम के आधार पर जाएंगे, हमारा काम धारीवाल जी से लगभग दुगना हो गया है। अमृत में हमारे पास पेयजल में 80 करोड़ की सेंक्शन है, सीवरेज में हमारे पास 450 करोड़ की सेंक्शन है। कुल मिला के समय लग सकता है कामों को पूरा होने में, लेकिन हमारे काम इस शहर की सूरत बदलने वाले काम होंगे। सौभाग्य से स्मार्ट सिटी में कोटा शहर का भारत सरकार ने चयन कर लिया है, मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि शहर की 450-450 जो एग्रीकल्चर कॉलोनीज हैं उनकी एक एक गली तक पाइपलाइन पहुंचाएंगे। इसकी डीपीआर बन रही है वेबकोर्ट से, और लगभग 850 करोड़ का इसका अनुमानित खर्चा मानकर एनसीआर से इस पर ऋण लेने की प्रक्रिया भी विभाग ने प्रारंभ कर रखी है। तो हम कोई फील्ड क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा जहाँ तक हमारा विकास नहीं पहुँचाएगा। तो आने वाले समय में और कितने करोड़ के काम? अब ये तो क्या कह सकते हैं, जो जरूरत है वो सब पूरी होगी। तो हिसाब किताब करोड़ों से नहीं होगा, हिसाब किताब तो करोड़ों रुपए 7 अजूबों में लगा दिया, नाचने वाली मूर्तियों में लगा दिया, गधों और घोड़ों में लगा दिया, उससे बेसिक जरूरत क्या पूरी हो गई? हम बेसिक जरूरत पर 1 रुपया लगेगा तो 1 रुपया ही लगाएंगे, हम 10 रुपये का घोड़ा और 10 रुपये का गधा नहीं लगाना चाहते। बेसिक जरूरत हमारा प्राइमरी एजेंडा है और हम उस पर काम कर रहे हैं। कोटा में विमान सेवा को लेकर के आपका क्या विचार है? अभी वर्तमान में जो 9 सीटर विमान देखिए स्वागत योग्य कदम है, कोटा की हाड़ोती में कावत आती है, नामामा से काना मामा अच्छा कुछ भी नहीं था तो कम से कम सेवा शुरू हो गई। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोटा इस हिंदुस्तान के जितने और गति से बढ़ते हुए उन शहरों में है कि यहाँ पर अंतर्राज्यीय सेवाएं और बड़ा बस ये एयरपोर्ट टर्मिनल चाहिए बड़ा। अगला चुनाव आप लड़ने की तैयारी में हैं, तो किन मुद्दों को आधार बना करके आप चुनाव? जो हमारी 5 साल की सेवा रहेगी, आम आदमी के लिए समर्पित जीवन रहा है, बिल्कुल 24 घंटे फकीर की तरह लोगों के लिए ही लगे रहते हैं, कोई काम ही नहीं। धन्यवाद मंजल साहब।